सुखदेव कहने लगे परीक्षित और समय पूर्ण हो गया 4:30 बज गए। अब बताओ महाराज क्या करें? अब प्रजा तो घबड़ी खा दे तो तुम लोग के साथ मजे ही लग जाओ लाने पे। अच्छा चलो ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव कहने लगे परीक्षित और श्रीमान हमारे ये 50 रुपए फेंक कर रहे हैं। दिनेश भैया नीमोहरी टेंट हाउस एवं साउंड डीजे लाइट और इनका मिलने का पता अलहदासपुर धोबी प्रोपराइटर दिनेश यादव। और ये यहाँ पर जो मधुर मधुर बज रहा है और आपकी सेवा में ये बहुत सुंदर साउंड बजा रहे हैं और ये आपको वीडियो देखने को मिलेगी नैन्सी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बैरपुर मेहरा जी के प्रवेश वजन से। इसके प्रोपराइटर हमारे नरेश भैया और नरेंद्र भैया और मेन कैमरा मालिक यानी विजय सिंह फतेहपुर वाले। बोल गोविंद भगवान की। तो आज मैं ये भागवत बताता हूँ। सुखदेव कहने लगे परीक्षित इंद्र ने देखा कि आज ब्रज मंडल में मेरा पूजन नहीं हुआ तो देवर्षि नारद ने जाकर के कहा हो इंद्र देख ले तेरा पूजन छिना लिया और पूजन किसका हो रहा है। एकदम से इंद्र ने कहा चिंता मत करो मेघ मानव से कहा जाओ इतनी तेज उस ब्रज मंडल पे बारिश करो जिससे वो ब्रज मंडल नीचे गिर जाएगा और काली काली रात और बारिश ओले तूफान बुरी तरह से यानी मेरे भागवत श्रोताओं बुरी तरह से चिंगारे आने लगी। इतना ही नहीं उस ब्रज पर यानी बताया है 7 दिन वर्षा हुई और जो भी बारिश आती थी भगवान श्याम सुंदर का चक्र ऊपर घूम रहा था वो आते ही आके भाप हमारे की उड़ जाती है। तो इधर इंद्र हैरान हो गया कहने लगा अब कोई पेश नहीं जाएगा तो अपनी जो अरबन खरबन वाली माला थी बारिश करने वाली मेघ माला से खा के जाओ ब्रज मंडल पर इतनी तेजी से वर्षा करो कि वो ब्रज मंडल डूब के मर जाए। आज भैया मेघ माला चली उन्होंने भी खूब तेजी से बारिश की लेकिन उस ब्रज मंडल पर कोई भी भगवान हेलो। तो आज मेरे भागवत श्रोता सुखदेव कहने लगे परीक्षित धीरे धीरे भाई समय वर्षा हुई लगातार बारिश हुई लेकिन मेरे भैया जब बारिश हुई सुखदेव कहने लगे परीक्षित भगवान श्याम सुंदर की वो दशा देख करके और भगवान श्याम सुंदर ने गिरधर पर्वत को अपनी उंगली पर धार कर 7 दिन हो गई। भैया सोदा कहने लगे रिग्वालो तुम कितने निर्दयी हो अरे ऐसा करो थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ आज मेरे श्याम को 7 दिन हो गए जिससे पर्वत रुक जाएगा।
ग्वालाओं को अपने घमंड था कि अरे कन्हैया तू हट जा, अरे हमने इस पर्वत को साध लेंगे, दूर हट जा। लेकिन भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ये ज्ञान है नहीं, घमंड है नहीं, जानते हैं। उसी समय श्याम सुंदर तो वही खड़े हैं और ग्वालाओं ने किसी की लाठी किसी ने कुछ और किसी ने कुछ लगाना शुरू किया और कहा श्याम सुंदर हट जाओ, आप यहाँ से हट जाओ। लेकिन तब तक हुआ ये बरसाने की इरादा श्याम सुंदर के पास में आ गया।